पहले तो पत्रकारिता दिवस के सारे पत्रकार बंधु को शुभकामना बधाई देते हैं, लेकिन आज पत्रकारिता सबसे ज्यादा संकट के दौर से गुजर रही है। आज जो पत्रकार बंधु फील्ड में काम कर रहे हैं उनके ऊपर भारी प्रेशर है भ्रामक खबरें दिखाने का। अच्छे खबरें को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, तो पत्रकारिता दिवस पे हम यही चाहेंगे कि ये जो भारत का चौथा स्तंभ है ये सुरक्षित हो, और जब ये सुरक्षित होगा तभी देश सुरक्षित होगा। आज पत्रकारों के भी अधिकार छीने जा रहे हैं, उन पे भी हमला हो रहा है, उनके भी बड़े बड़े नेता उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग उनको धमकी दे रहे हैं, तो स्वतंत्र पत्रकारिता पे आज प्रश्न चिन्ह लग गया है। तो जो स्वतंत्र पत्रकारिता थी उसको पुनः बहाल करने की जरूरत है, और पत्रकारिता पत्रकार ही समाज का आईना होता है, पत्रकार ही समाज में जो क्या चल रहा है उन बातों को लेकर के आता है। तो अच्छी पत्रकारिता होगी उसी के बल पे सरकार अच्छी योजनाएं बना पाएंगी। आज पत्रकारिता अपने उद्देश्य से भटका है, इसलिए देश भी आज उद्देश्य से भटक गया है। आज तमाम तरह के संस्थाएं कमजोर किए जा रहे हैं, आज न्यायपालिका से लेके विधायिका तमाम जो संस्थाएं हैं वो कमजोर हो रहे हैं। तो इसलिए पत्रकारिता दिवस पे हम यही चाहेंगे कि पत्रकारों के हित सुरक्षित हो। आज उनके बड़े पैमाने पे इस आर्थिक मंदी के दौर में उनकी छटनी हो रही है, और एक पत्रकारिता में भी जो जनेव संस्कृति है, ये जो मनुवादी जो प्रथा है, ये जो जातिवादी जो उनके साथ भेदभाव शोषण है, ये भी खत्म होना चाहिए। आज पत्रकारिता में हमारी मांग इस पत्रकारिता दिवस के मौके पर कि उसमें भी आबादी के अनुरूप रिजर्वेशन पॉलिसी, रिप्रेजेंटेशन पॉलिसी को लागू किया जाए, क्योंकि समाज में जात पात है इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और जब गलत करने वाले पत्रकार के जात के होंगे तो समाचार को छुपाने की कोशिश करेंगे, और अगर उनके जात के नहीं होंगे तो उस समाचार को थोड़ा बढ़ा के दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जिसकी जितना संख्या बारी उसकी उतने हिस्सेदारी के आधार पे पत्रकारिता में भी रिप्रेजेंटेशन पॉलिसी लागू हो, और चंद मुट्ठी भर घरानों के हाथ में जो तमाम चैनल्स, तमाम तरह के प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चला गया है, इससे पत्रकारिता का रियल स्वरूप खत्म हो गया है। आज खोजी पत्रकारिता खत्म हो गया है। आज लोग गांव में जा करके जहां घटना हुआ वहां रिपोर्टिंग करना कम नहीं चाह रहे हैं, बस डेस्क पे बैठ करके कुछ अपने चुनिंदा एजेंट को बुला करके बस डिबेट कराते हैं, जिससे समाज की सच्ची बात आम लोग तक नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए आज हम चाहते हैं पत्रकारिता दिवस पे कि इसको सुरक्षित किया जाए, संरक्षित किया जाए, और हम उन तमाम पत्रकारों के साथ, हमारी पार्टी उन तमाम पत्रकारों के साथ खड़ी है जो चौथे स्तंभ को बचाने की लड़ाई लड़ रही है।